एडवांस राहुल, एडवांस राहुल, एडवांस राहुल, एडवांस राहुल, एडवांस राहुल। तो भाई लोग, ये है अपनी फर्स्ट Q&A वीडियो, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। YouTube पे क्वेश्चंस आए थे और Instagram पे क्वेश्चंस आए थे। तो आज सभी क्वेश्चन का आपको आंसर इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो यार थैंक यू आप सभी लोगों का कि आपने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया कि 5 लाख सब्सक्राइबर तो हो ही गए, अब 6 लाख होने वाले हैं। तो सब लोग अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आप जल्दी से 6 लाख कंप्लीट करा दो। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको फ्री में रिडीम कोड लेने की ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक तो देखना बनता ही है ना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। भाई आपका ना बड़ा है? तो देखो मेरे भाई, मेरा बहुत बड़ा है, जिसमें कि पूरे 5 लाख लोगों के लिए प्यार है। मैं यहाँ पे दिल की बात कर रहा हूँ, तुम कुछ और मत सोच लेना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सोनीता दीदी ने, पहले आप खुद ही सुन लो। A big shout out to you, advance, राहुल। अरे आपने आपका नाम एडवांस क्यों रखा? इन्होंने पूछा है कि आपने आपका नाम एडवांस क्यों रखा। तो यही सेम क्वेश्चन हमारे येलो स्टार गेमिंग भाई ने भी पूछा था। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं फ्री फायर की अपकमिंग आइटम्स के बारे में बताता था कि जो फ्री फायर में आने वाला होगा उसको मैं एडवांस में ही बता देता था। तो बस इसी को देखते हुए मैंने अपना नाम रख दिया था एडवांस गेमर RSC। फिर मैंने बाद में चेंज करके इसको एडवांस राहुल कर दिया। तो आप बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आप कहाँ रहते, फिर उन्होंने पूछा है कि आपका नाम क्या है, फिर इन्होंने पूछा है कि आप कितने साल के हो, और फिर इन्होंने पूछा है कि YouTube कैरियर कितने साल से चालू किया है, और फिर इन्होंने पूछा है कि आपको खाने में क्या पसंद है। तो देखो भाई, मैं रहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा नाम है राहुल शर्मा, और मेरी जो एज है वो 21 है। और मैंने अपना YouTube कैरियर 2020 में स्टार्ट किया था, लेकिन तब मैं वीडियोस नहीं डालता था। मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया है 2022 की एंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे सैमी भाई ने। तो इन्होंने लिखा है कि GF है तो उसका नाम क्या है, और इन्होंने लिखा है कि आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है। तो देखो, जहां तक GF की बात है, तो GF वगैरह इन सब फालतू चीजों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपने कैरियर पे फोकस करता हूँ। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है। तो मेरा बस एक ही ड्रीम है कि आप लोग मुझे बस ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहो। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है QST गेमर ने, इन्होंने पूछा है कि अभी तक यूट्यूब पेमेंट कितनी आई आपको। तो देखो भाई, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, इतनी मेरी अभी तक यूट्यूब पेमेंट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हमारे वर्मेनिया गेमिंग भाई ने। तो इन्होंने पूछा है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है और तुम कितना कमाते हो। तो देखो, मैं जितना कमाता हूँ तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और गर्लफ्रेंड की रही बात तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है एलोन FF एडिट्स ने। तो इन्होंने पूछा है प्लीज एडवांस राहुल ब्रो मेरा मेंशन कर देना, माय क्वेश्चन इज आपका कोई ओल्ड गेम फ्रेंड है जिसके साथ आप हर गेम खेलते हो अभी तक, प्लीज ये क्वेश्चन ले लेना। तो हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं अभी भी गेम खेलता हूँ, और बहुत पहले से मैं उसके साथ गेम खेलता हूँ, जो कि अभी तक मेरे साथ है। बाकी सब दोस्तों ने तो साथ छोड़ दिया, लेकिन वो अभी तक साथ है, जिसकी आईडी का आपको नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको पूरी आईडी यहाँ पे दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गॉड डेंजर YT ने। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले 500 के लिए कांग्रेट्स। तो भाई थैंक यू। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक यूट्यूब से कितनी अर्निंग की है। तो देखो भाई, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि मैंने कितनी अर्निंग की है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फरहान खान ने। तो इन्होंने पूछा है भाई, आप कभी कभी लाइफ में रोज 10-10 के रिडीम कोड गिव अवे करोगे डेली, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो देखो भाई, हाँ मैं 10-10 का रिडीम कोड का गिव अवे करता रहूंगा, मैं ऐसे भी टेलीग्राम पे गिव अवे करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो मेरे टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके सभी लोग ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं डेली रिडीम कोड का गिव अवे करता हूँ, और उसके बाद मैं वहां पे आपको अर्निंग करने की ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ। तो चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मिठाई गेमर ने। तो इन्होंने पूछा है आपकी शादी कब होगी। तो देखो भाई, शादी हो जाएगी कभी ना कभी। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपका रियल नेम क्या है। तो मेरा रियल नेम राहुल शर्मा है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपकी एक महीने की यूट्यूब इनकम, तो वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आप डेली गिव अवे कहाँ पे करते हो। तो मैं डेली गिव अवे टेलीग्राम पे करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। भाई गुड क्वेश्चन। तो देखो, मेरा फेवरेट यूट्यूबर जो है वो है टेक्निकल योगी सर। टेक्निकल योगी सर बहुत ही अच्छी वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूब के बारे में बताते हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं। तो मुझे जो योगी सर है वो बहुत अच्छे लगे, मेरे फेवरेट यूट्यूबर वही है। उसके बाद है कि क्या आप मिठाई गेमर को जानते हो। तो हाँ मेरे भाई, मैं आपको जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर ने तो इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि तुमने YouTube क्यों स्टार्ट किया। तो देखो भाई, इसका सेम ही रीजन है YouTube स्टार्ट करने का, जैसे कि हर कोई करता है पैसे के लिए, तो उसी के लिए मैंने भी स्टार्ट किया था। उसके बाद है कि तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है। तो देखो भाई, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, तो पहले मैं बशीर गेमिंग की वीडियोस देखता था, और बशीर गेमिंग को देख के ही मैंने YouTube स्टार्ट किया था। मैं जैसे वो वीडियोस बनाता था, वैसे ही मैंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद है YouTube लाइफ टाइम इनकम। तो भाई, इनकम मैंने आपको पहले ही दिखा दी, एक क्वेश्चन
कितनी बार पूछोगे। उसके बाद है कि कितने क्लास में हो, तो देखो भाई क्लास व्लास में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अभी अभी PhD करके आया हूँ। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि फेस रिवील कब करोगे, तो देखो भाई आपका ये क्वेश्चन सही है फेस रिवील का, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है फेस रिवील का, लेकिन बहुत जल्दी करूंगा। उसके बाद पूछा है कि GF फेस रिवील कब करोगे, तो देखो उसके लिए GF होने भी तो चाहिए कि ऐसे फेस रिवील कर दूं। कौन से माइक से वॉइस ओवर करते हो, तो देखो मेरे भाई मैं कोई भी माइक वगैरह यूज नहीं करता, मैं पहले तो माइक यूज करता था, लेकिन अभी के टाइम में माइक यूज नहीं करता क्योंकि मुझे ये बोरिंग जैसा लगता है, बिना माइक के मुझे अच्छा लगता है वॉइस रिकॉर्ड करना। वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप शायद माइक ढूंढ रहे होंगे, तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि आप बोया का माइक लेना, बोया BY-M1, तो ये माइक अच्छा है, सस्ता भी है और उसके बाद इससे वॉइस भी अच्छी सी रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आपको वायरलेस लेना है तो आप डिजिटेक का ले सकते हो, 4-5 हज़ार तक वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो इंस्टाग्राम पे पूछे गए थे, तो चलो उन क्वेश्चन का भी मैं आपको यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है GW स्मार्टी ने, इन्होंने पूछा है कि भाई मुझे रिडीम कोड क्यों नहीं देते हो, तो देखो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। अगर मैं सबको सिर्फ 10-10 का ही रिडीम कोड दूंगा, ज्यादा छोड़ो सिर्फ 10-10 का, तो खुद ही मल्टीप्लाई करके देखो, आप 10 को 5 लाख से मल्टीप्लाई करके देखो और देखो कि कितना आता है। अगर सबको रिडीम कोड दूंगा तो इतना पैसा कहां से आएगा। उसके बाद प्रदीप भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, तो देखो भाई स्टार्टिंग में यूट्यूब जर्नी किसी की भी सही नहीं रहती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इसमें यूट्यूब जर्नी में। पहले तो आपके व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं होते, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी अगर आप वीडियोस डाल रहे हो, तो आगे चल के भाई आपका ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रॉयल किंग ने क्वेश्चन पूछा है कि आपका फेवरेट कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजस्टार, टोटल गेमिंग, यूअर सब्सक्राइबर, उसके बाद है यूअर क्रश। तो देखो इनमें से मेरा फेवरेट जो रहेगा वो रहेगा मेरा सब्सक्राइबर, बाकी को छोड़ो, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कैनिया गेमिंग ने क्वेश्चन पूछा है कि डू यू रिमेम्बर मी, तो देखो भाई मैंने आपका नाम तो कहीं सुना था, सुना सुना लग रहा है, लेकिन मैं आपको अभी जानता नहीं, उसके लिए सॉरी। उसके बाद यहाँ पे गोल्डीज भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी चाइनीज गर्लफ्रेंड का नंबर दे दो, तो देखो भाई यहाँ पे स्क्रीन पे है, चाइनीज गर्लफ्रेंड का नंबर ले लो। उसके बाद यहाँ पे डार्क गेमर ने पूछा है कि तुमने यूट्यूब किसके कहने पे स्टार्ट किया था, तो देखो मैंने अपने एक दोस्त के कहने पे स्टार्ट किया था, इद्रीस नाम था उसका, उसने पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो दूसरों की वीडियोस डालता था और उसने 20,000 जब सब्सक्राइबर पहुंचा दिए, तो तब मैंने देखा कि भाई जब ये कर सकता है, इसके 20,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूं। तो उसने मुझे बताया कि तू यूट्यूब स्टार्ट कर, ऐसा वैसा कर, तो मैंने उसके कहने पे यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद फिर अभी 5 लाख तो हो ही गए। उसके बाद यहाँ पे हर्षित वर्मा ने लिखा है कि एडवांस भाई इज वेरी क्यूट, तो भाई मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको भी लगता है कि मैं क्यूट हूं तो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ ये सच है कि गलत है। उसके बाद यहाँ पे आपने अभिषेक भाई ने लिखा है कि तब डोडा से कब मिलने आओगे भैया, तो देखो भाई जब आप बोलोगे तब मैं आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने स्वागरात कैसे करी थी, नई चैनल की शुरुआत, तो देखो मैंने चैनल की शुरुआत कैसे करी थी वो मैंने आपको अभी बता दिया, पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अपने दोस्त के बारे में कि उसने मुझे बताया था कैसे कैसे, वो मैंने आपको अभी पहले बता दिया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्रिकेट विद AJS ने, तो इन्होंने पूछा है कि भाई आपकी डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे बड़ा चैनल किसका है, तो देखो मुझे इसके बारे में कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि डोडा में सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है, लेकिन अगर आपको पता है कि और किसी का चैनल है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मुझे पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे कोई दूसरा चैनल मिला भी नहीं जिसके मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर हो। आप जिसको भी फ्री में रिडीम कोड चाहिए तो वो जल्दी से जाके पिन कमेंट वाली वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फ्री में रिडीम कोड कैसे लेना है और 100K पीपल ने वहां पे ट्रस्ट किया है, उनको रिडीम कोड मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, तो जल्दी से जाके वो वाली वीडियो देख लेना और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई यही थी हमारी Q&A वीडियो, तो इसको हम खत्म करते हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज।